पत्थर से ईंट चलाने आ, किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। इस बीच डीग जिले की कामा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से नौक्षम चौधरी को उतारा गया है। नौक्षम का बाहरी उम्मीदवार होने को लेकर कामा विधानसभा क्षेत्र में विरोध दिखाई दे रहा है। इसको लेकर नौक्षम चौधरी का एक विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सभी तरह के काम आते हैं। नौक्षम का 29 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्थर पे पत्थर से ईंट चलाने आ, किसी ने ईंट चलाया तो पत्थर से जवाब दूंगी, ऐलान कर रही हूँ। हमें गोली भी चलानी आती है, हमें सारे काम आते हैं, और झूठे का और झूठे से इलेक्शन लड़ना आता है, इसका ऐलान करती हूँ। और महाराज जी आपके हेडक्वार्टर से मंदिर से ऐलान करती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ। दरअसल ये वीडियो 2 अक्टूबर की शाम का बताया जा रहा है, जब नौक्षम चौधरी बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कामा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पहुंची। इस दौरान उनका ये 29 सेकंड का वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने विवादित बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नौक्षम चौधरी के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वीडियो में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बेहद अभद्र है और एक जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है। समाज की रक्षा करना हमारे देश के नेताओं का कर्तव्य होता है, लेकिन जब नेता खुद बंदूक और जूते जैसे तरीकों को अपनाकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो फिर एक बेहतर समाज की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा लीडर वो होता है जो जनता और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने, जिसका अनुसरण करके समाज बेहतर बन सके। लेकिन ऐसे नेताओं की भाषा ये दर्शाती है कि चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।